दूसरे चरण के जारी मतदान के दौरान विभिन्न देशों के राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल मतदान प्रक्रिया देखने के लिए श्रीनगर के बेमीना क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। शांतिपूर्ण चल रहे चुनाव और पहले चरण के मतदान में 61% से अधिक मतदान से उत्साहित होकर विदेश मंत्रालय ने मुख्य रूप से अमेरिकी, यूरोपीय और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन के दूतावासों से वरिष्ठ राजनयिकों को आमंत्रित किया था। इन्हें खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में चल रही चुनाव प्रक्रिया का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने के लिए कश्मीर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने आपत्ति जताई है।